सागर सानौधा थाना पुलिस ने देर रात 2:30 बजे से 3 बजे के गाय के बछड़ों के साथ कंट्रोलर को पकड़ा। गाय के बछड़े 67 पाए गए, जिनमें 11 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय के बछड़ा एक ट्रक में भर के बाहर ले जाया जा रहा था। बछड़ों के लिए साकेत गौशाला मगरौन में छोड़ा गया और ट्रक कंट्रोलर को खाली करा कर सानौधा थाना लाया गया। मौके पर मौजूद सानौधा थाना TI ASI लक्ष्मी मिश्रा और शाहपुर चौकी प्रभारी मौजूद रहे। ये 2012 से चल रही है, तो ये 10 से चालू किया था, लेकिन 12 से सक्रियता से चल रही है। और जी आज ये कंट्रोलर में जो गाय के बछड़ा पकड़े गए, उसमें कितने बछड़े आए, कहाँ जा रहे थे, जानकारी? अब ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन सानौधा पुलिस विभाग जो है उनके द्वारा हमको ज्ञात हुआ कि कहीं जगह नहीं है रखने के लिए, तो हमने मना किया। हमारे यहाँ गौशाला में 500 नंग की व्यवस्था है, क्योंकि फुल हाउस भरी हुई है, पर अब गौवंश को कहाँ रखा जाए, इस कारण से जैसे व्यवस्था है गौ सेवा के हिसाब से हमने यहाँ उतरवा लिया है। इनकी जैसे बनेगी व्यवस्था सेवा करेंगे। तो आपको क्या शासन प्रशासन से कोई राहत? शासन प्रशासन से व्यवस्था होती तो है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बहुत दिन से अभी ग्राउंड मिला नहीं है, और आटे में नमक बराबर व्यवस्था होती है। आपकी गौशाला में कितने गायों के बछड़े हैं और एवं गायें कितनी? अभी हमारे यहाँ तकरीबन 500 के आसपास हमारी संख्या है, और इतनी ही जगह है, जगह की कमी है, और कथाएं बंद होने के कारण मार्च से लॉकडाउन है, तो आवक भी हमारी कथा के द्वारा जो होती थी वो होती नहीं है। 40,000 रुपये मंथली हम कर्मचारियों को चुका रहे हैं, और भगवान कृपा से गौ माता ही कर रही सारी व्यवस्था। और गौ सेवकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? अब गौ सेवकों को संदेश ये देना चाहते हैं कि गायों की सेवा करो, आप उसके महत्व को समझो। गाय जो है साधारण में उसके गोबर गोमूत्र और गाय जहाँ रहती है वास्तु दोष दूर होता है। अब कहाँ तक कहें, गौ सेवा भगवान की सेवा है, राष्ट्र सेवा है। गौ है तो धर्म है, गौ है तो पृथ्वी है। आज ये अकाल पड़ रहा है, सब गौ के जो अत्याचार हो रहे, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। गौ सेवा करना चाहिए, यह संदेश सर। ये कंटेनर में जी गाय की बछड़ा पकड़े गए जी, कब पकड़े गए और कहाँ पकड़े गए? कल रात्रि में 2:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि ग्राम गोची के भटार में कोई कंटेनर खड़ा है, उसमें अवैध बछड़ों को उनको मवेशियों को ठूंस ठूंस के भरे जा रहे हैं, कहीं बाहर परिवहन के लिए जाने के लिए। और इन बछड़ों के लिए कहां पर छोड़ा गया है? ये साकेत गौशाला है ग्राम मगरौन में, तो उनको वहाँ जब वहाँ ले जाकर उनको खोला गया, निकाला गया, तो इसमें 67 कुल थे, तो इसमें 11 मृत निकले हैं और 56 जीवित हैं बछड़े, जो भाई मौके पर ही पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब को बुलवा कर उनका मेडिकल भी करवाया गया, और जिसमें वो काफ़ी छुले हुए थे, उनके आपस में रगड़ खा रहे थे एक तरह से, तो काफ़ी छुले हुए, उनको मेडिकल भी करवाया गया उनके पास।